जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव नरोदा में समिति गठित कर 7 माह में काफी विकास कराया गया है। 80 शौचालय, 250 मीटर सीसी टाइल्स कराकर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। समिति के अध्यक्ष ने आगे कहा कि यदि आगे हम गांव के प्रधान बनते हैं तो गांव में काफी विकास कराने का हौसला रखते हैं। 7 माह में इन्होंने कितना विकास कराया है आइए जानते हैं। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंदरकी के नरोदा ग्राम पंचायत में। यहाँ ग्राम पंचायत में वैसे तो प्रधान द्वारा भी काफ़ी विकास करवाया गया है, लेकिन किसी कारण गबन की शिकायत करने के बाद जिलाधिकारी द्वारा उन्हें यहाँ सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके दौरान लगभग 7 महीने यहाँ समिति द्वारा विकास कार्य करवाए गए हैं, जिसमें कि समिति के प्रमुख अध्यक्ष सुनील कुमार जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि 7 महीनों के दौरान किस तरह से इन्होंने गाँव में लोगों की मदद की है और क्या क्या विकास कार्य इन्होंने यहाँ पर करवाए हैं। आइए चलते बातचीत करते हैं। टुडे 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। जैसा कि यहाँ हमें पता चला है कि 7 महीने आपका जो है समिति द्वारा यहाँ गांव में कार्य करवाया गया है, आप उसके प्रमुख अध्यक्ष रहे हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने गांव में यहाँ करवाए? तेज बोलिए। तो सड़कें डलवाई सीसी की और करीब 80 शौचालय बनवाए थे और 20 करीब लाइटें भी लगवाई थी और करीब 2 दिन हमने जीसी भी चलाई थी, गाँव की सफाई भी कराई थी। 20-22 लाख काफ़ी यहाँ पर लोगों को आपने जो है मदद की है। आप जैसा कि ग्राम प्रधान दोबारा से यहाँ बहाल कर दिए गए हैं, चार फिलहाल जो है उन्हीं के पास में है, तो क्या अब इस समिति के इस चीज़ से हटने के बाद में अपने स्तर पर भी आप गांव में सेवा देते हैं? हाँ, सेवा दी है हमने, खाना बना जो गरीब लोग थे उनको खाना बना दिया है जी। भाई 3-4 दिन जब आप समिति के अध्यक्ष थे तो आपको कैसा महसूस आपको लग रहा था यहाँ पे, जैसे कि प्रधान एक कार्यभार प्रधान थे आपने? जी, अच्छा लगा हमें, हमें लोगों की मदद भी की, जो शौचालय जिनके पास नहीं थे उन्होंने शौचालय बनवाए हम लोगों को, जिनके राशन कार्ड नहीं थे उनके राशन कार्ड भी बनवाए थे, सभी पूरी तो आपको क्या लगता है यदि एक ग्राम प्रधान के बतौर आपने यहाँ काम किया है, आपको क्या लगता है यदि आगे आने वाले चुनाव भी तैयार हैं, आपको मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? कोशिश रहेगी, क्या तैयारियां आपकी इसके लिए हैं? तैयारी है, सही सब लोग जगह ही हैं, अगर चाहेंगे तो। जैसा कि आपने देखा काफ़ी विकास यहाँ इन 7 महीनों केवल 7 महीनों के जो टाइम पीरियड में यहाँ करवाया गया है समिति द्वारा, जैसे कि शौचालय भी बनवाए हैं, सड़कें भी डली हैं। इसके साथ ही जब समिति से कार्य जो कार्य सीमा है उनकी हटा ली गई है, ख़त्म कर दी गई है, उसके बावजूद यहाँ पर इस समिति द्वारा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों की मदद के द्वारा यहाँ इस जो लॉकडाउन चला है और जो समस्या महामारी की यहाँ फैली हुई है उस दौरान भी यहाँ इनके द्वारा काफ़ी काम किया गया है, लोगों को काफ़ी सेवा दी गई है, कई तरह की मदद की गई है, जिसके बारे में हम यहाँ और लोगों से भी जानकारी लेंगे। आइए चलते। आपका नाम बताइए। मनोज कुमार प्रजापति जी। जी मनोज कुमार जी, किस तरह से आप यहाँ पर किस पद पर, यदि किसी पद पर हैं तो बताइए, और किस तरह से आपकी जो सेवा आपने यहाँ दी है लोगों को उसके बारे में ज़रा जानकारी दीजिए। इस वक्त मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सेक्टर संयोजक मेरठ ग्राम पंचायत नरोदा में दायित्व दे रखा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। जब लॉकडाउन लगा था तो ग्राम पंचायत स्तर पर जो बेचारे गरीब भूमिहीन असहाय लोग हैं, तो पार्टी का दिशा निर्देश था कि गरीब लोगों की मदद की जाए, तो हमने उस कार्य को अपने कर्तव्य के साथ निभाया और मोदी योगी रसोई का शुभारम्भ किया। 4 दिन हमने मोदी योगी रसोई, जो बड़े ऊंचे तबके के लोग हैं उनके आर्थिक सहयोग से 500-500 पैकेट रोजाना 4 दिन तक उन गरीब लोगों को वितरित किए। राशन कार्ड की कुछ लोगों को समस्या थी, उन लोगों को साथ लग करके हमने उनको ऑनलाइन व्यवस्था करा करके उन लोगों के राशन कार्ड भी ऑनलाइन कराए हैं। जैसे कि ये जो आपने बताया मोदी योगी रसोई के आपने जो यहाँ पर काम किया जिसके द्वारा, तो 4 दिन आपने बताया किया, लेकिन ये समस्या को लगातार काफ़ी लंबे टाइम तक चली है जी, तो इसमें आगे क्या प्रयास रहा आपका मोदी योगी रसोई को बंद करने के बाद, इसके अलावा आपने और किस तरह से मदद की? जी फिर मदद इस तरह से कि
राशन डीलर जो हमारे यहाँ पर हैं, हमने उनसे अनुरोध किया कि भैया इसमें जो सरकार द्वारा हर महीने जो राशन दिया जा रहा है तो निःशुल्क राशन वितरण की व्यवस्था थी, तो हमने उनसे अनुरोध किया कि प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क राशन दिया जाए। जो श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूर हैं उनको मनरेगा जॉब कार्ड जिन लोगों के पास है उनको सबको, उन सभी लोगों को निःशुल्क राशन दिया गया। कुछ लोगों को धन भी दे करके, नकद धन दे करके भी, आर्थिक मदद भी हमने उन लोगों की की। गांव में सैनिटाइजर साफ सफाई वगैरह सब सैनिटाइजर के लिए लोगों को कहा है और मास्क वितरित का प्रोग्राम भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चला है और लोगों को ये सलाह दी है कि भैया बाहर से आए तो हाथ साबुन से अच्छी तरह से साफ कर लें, मुँह पर हमेशा मास्क लगाए रखें, अन्य बाहरी व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। घर में जैसे कि ये सेवाएं आपने यहाँ दी हैं, काफ़ी अच्छे से लोगों की मदद भी की है, लेकिन अभी भी समय टला नहीं है जी। समस्या का और ये महामारी का समय अभी टला नहीं है, समस्याएं जो कि क्यों हैं बल्कि दिन पर दिन बढ़ने पर हैं, तो क्या कोशिश है आपकी अब जो समय चल रहा है या जो आने वाला समय है इसमें भी आपकी क्या कोशिश रहेगी अपने गाँव में लोगों की, किस तरह से मदद करें लोगों को? हम समय समय पर जागरूक कर रहे हैं कि भैया उचित दूरी बनाए रखें, घर में आते समय साबुन का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अन्य किसी भी बाहरी व्यक्ति से मिलने की उचित दूरी बनाएं, कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं। अपने सभी ग्रामवासियों को हम इस तरह से समय समय पर निर्देश देते रहते हैं, लोग कहना भी मानते हैं।